हेलो गाइस, मैं हूं गोल्डी और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम टेस्टी पकौड़े की रेसिपी। आप सोच रहे हैं कि पकौड़े तो हम हमेशा बनाते हैं और खाते हैं, तो इसमें खास बात क्या है? जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको एकदम यूनिक तरीके के पकौड़े की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसका नाम है टमाटो पकौड़ा। और आपने टमाटो पकौड़ा अगर खाया भी होगा तो इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं ट्राई किया होगा। ये बहुत ही यूनिक और न्यू कॉम्बिनेशन है। एक पकौड़ा मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पकौड़ा फ्राई हुआ है, कितना टेस्टी दिख रहा है। और अब मैं इसे कट करके भी दिखाऊंगी और ये देखिए गाइस कितना टेस्टी डिलीशियस हमारा पकौड़ा दिख रहा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो देर नहीं करेंगे, जल्दी से इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जल्दी से आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में एक छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। एकदम टेस्टी चटपटी टमाटो पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 टमाटर ले लिए हैं। जब भी आप टमाटो पकौड़ा बनाइए, एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए कि टमाटर हमेशा टाइट लीजिए। अगर हल्का सा भी जूसी टमाटो होगा तो उससे बिल्कुल भी अच्छा पकौड़ा बन करके तैयार नहीं होगा। तो इसलिए हल्का सा टाइट और एकदम कड़क टमाटर का ही इस्तेमाल करिए आप। तो मैंने इस टमाटर को एकदम अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे धो लिया है, तो अब मैं इसे कट करने वाली हूँ। तो मुझे इसे लगभग 3 पीसेस में कट करना है। तो सबसे पहले मैं इसके आगे का और पीछे का हिस्सा इस तरीके से कट करके साइड कर लेती हूँ, ताकि ये हमारी जो चटपटी टमाटो पकौड़ा एकदम टेस्टी बन करके तैयार हो। और ये देखिए टमाटो के मैंने आगे और पीछे वाले हिस्से को कट कर लिया है, तो अब मैं इसे 3 पीसेस में डिवाइड कर लेती हूँ। ये देखिए हमें इसके जो पीसेस को हल्का सा मोटा ही रखना है। अगर जब भी आप इस तरीके से टमाटो पकौड़ा बनाएं तो आप उसके पीसेस को बिल्कुल भी पतला मत रखिएगा, थोड़ा सा थिक ही रखिएगा, ताकि एकदम बढ़िया हमारे पकौड़ा बन करके तैयार हो। और ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसके स्लाइसेस को कट कर लिया, एकदम थिक स्लाइसेस है इसका। तो इसी तरीके से मैं सारे टमाटो के पीसेस को कट कर लूँगी। हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसलिए हम इसे 3 स्लाइसेस में कट कर रहे हैं। अगर आपने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है तो आप इसे 4 स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे चारों टमाटर को एकदम अच्छे से कट कर लिया है, तो अब मैं इसे साइड में रख लेती हूँ और जल्दी से इसके ऊपर स्प्रेड करने के लिए चटनी बना करके तैयार कर लेती हूँ। टमाटो के ऊपर स्प्रेड करने के लिए हमें धनिया की चटनी बना लेनी है, तो मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है और इस धनिया को मैं सबसे पहले कट कर लूँगी, क्योंकि जब हम इसे मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड करेंगे तो ये इजीली ग्राइंड हो जाएगा, इसलिए इसे कट करना ज़रूरी है। तो अब हम धनिया के पत्ते को डालने वाले हैं मिक्सर जार में। तो मैंने यहाँ पे लिया है चटनी वाले मिक्सर जार, आप चाहें तो सिलबट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धनिया के पत्तों को डाल देने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लहसुन की कलियाँ। थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ही लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। लगभग 4 हमने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं, तो इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चटनी को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 हरी मिर्च ली है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप 2 के बदले 3 या 4 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस हरी मिर्च को मैं हल्का सा कट कर लूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का सा ज़ीरा, लगभग 1 छोटा चम्मच के करीब। और अब इस चटनी में हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक डाल देने के बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ नींबू का रस, लगभग 1/2 छोटा चम्मच के करीब। नींबू का रस इस चटनी में इसलिए हम डालते हैं ताकि धनिया का जो कलर है इसी तरीके से बरकरार रहे। सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देने के बाद अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके इसे ग्राइंड करूंगी। अगर आपको लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए हमने यहाँ पे चटनी पीस करके तैयार कर ली है, तो अब मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना स्मूथ प्यूरी ये बन करके तैयार हुआ है। आप चाहें तो इस चटनी को सिलबट्टे पे भी अच्छे से पीस करके तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो है ये गाठिया। हमने यहाँ पे लिया है बेसन से बना हुआ गाठिया, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप अक्सर इसे चाय के साथ खाते होंगे या बच्चों को देते होंगे स्नैक्स के तौर पर। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन आज मैं इसे डालने वाली हूँ इस मिक्सर जार में, ताकि हमारी जो चटनी है वो एकदम थिक बन करके तैयार हो। लगभग 2 बड़े चम्मच इस गाठिया को हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके की गाठिया नहीं है तो आप नॉर्मल जो बेसन का सीव होता है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके इसे एकदम अच्छे से ग्राइंड करूंगी। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है।
और ये देखिए मैंने इसे फिर से एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए जो चटनी हमारी कितनी थिक हो गई है, इस तरीके से हमें चाहिए चटनी ताकि एकदम बढ़िया थिक हो जाए और जब हम इसे टमाटर के ऊपर स्प्रेड करें तो ईजिली ये स्प्रेड हो जाए। तो इसी तरीके से हमें चटनी बना करके तैयार करनी है। तो अब मैं इसमें एक और छोटा सा इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो है चाट मसाला, क्योंकि चटपटा अगर कोई भी चीज़ बनाना है तो चाट मसाला के बिना वो चीज़ अधूरी है। तो मैं इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब चाट मसाला ऐड कर दूँगी और अब मैं इस मिक्सर जार में इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसे फिर से एकदम अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। और ये लीजिए, टमाटर के ऊपर स्प्रेड करने के लिए हमारी चटनी एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब मैं जल्दी से बेसन का घोल बना करके तैयार कर लेती हूँ। बेसन का घोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक बड़ा सा बोल और इस बोल में मैं ऐड करने वाली हूँ लगभग 300 ग्राम के करीब बेसन। हमने यहाँ पे नॉर्मल वाली बेसन ली है, बिल्कुल भी मोटा या पतला बेसन नहीं चाहिए, क्योंकि कमेंट में मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम बेसन कैसा चाहिए, मोटा चाहिए या पतला चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, जो नॉर्मल वाली बेसन होती है आप उसका इस्तेमाल करिए। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा, लगभग 2 बड़े चम्मच हम इसमें चावल का आटा ऐड कर देंगे। चावल का आटा डालने से पकौड़े का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा हो जाता है और आप चाहें तो इसके रिप्लेसमेंट में कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही में मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। नमक डाल देने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी अजवाइन। हमने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच के करीब अजवाइन लिया है और इसे हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। हमें हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है। सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल देने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पानी और इसका एकदम बढ़िया हमें घोल बना करके तैयार करना है। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी और इसका एकदम बढ़िया घोल बना करके तैयार करूंगी। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी गाइस, पकौड़े बनाते समय अगर आप पकौड़े में ज़्यादा फ्लेवर लाना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया पकौड़े का टेस्ट आएगा। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि पकौड़े हल्के से क्रिस्पी बने तो आप उसमें चावल का आटा ऐड कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी पकौड़े बन करके तैयार हो जाएंगे। और तीसरा टिप ये है कि जब भी आप पकौड़े बनाने के लिए घोल तैयार कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए ताकि उसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे और घोल ईजिली जल्दी बन करके तैयार हो जाए। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पे पूरा 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसे कंटिन्यू एकदम अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि घोल हमारा एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे घोल एकदम अच्छे से बना करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस तरीके से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, हमें इसका मीडियम टेक्सचर चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, ये इसलिए आपको मार्केट में मिल जाएगा। इनकेस ये आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसके रिप्लेसमेंट में इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेकिंग सोडा डाल देने के बाद अब मैं इसे एकदम अच्छे से मिक्स करूँगी लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। और ये लीजिए, घोल हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं जल्दी से पकौड़ा बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम इस टमाटर के ऊपर स्प्रेड करने वाले हैं चटनी, तो हमने यहाँ पे 1 स्लाइसेस को उठा लेना है और इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ चटनी। हम इस टमाटर के स्लाइसेस के ऊपर 1/6 चम्मच के करीब चटनी लगाएंगे और इसे चारों तरफ एकदम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से इसके ऊपर चटनी स्प्रेड करनी है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे 1 टमाटर के पीसेस के ऊपर इस तरीके से चटनी स्प्रेड कर दी है, तो इसी तरीके से मैं सारे टमाटो के पीसेस के ऊपर चटनी स्प्रेड कर दूंगी। और ये देखिए, हमने यहाँ पे सारे टमाटर के स्लाइसेस के ऊपर हरी चटनी स्प्रेड कर दी है। तो अब मैं जल्दी से पकौड़ा बना करके तैयार कर लेती हूँ। हमने यहाँ पे पहले से ही कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं कि ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। तो आइए मैं इसे थोड़ा सा चेक करके आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन का घोल डालूंगी और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये ऊपर आ गया है, यानी कि ऑयल हमारा एकदम अच्छे से गर्म है। तो इस स्टेज में फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और अब मैं जल्दी से इसमें पकौड़ा डाल करके फ्राई कर लेती हूँ।
सबसे पहले हम टमाटर के एक स्लाइसेस को डालेंगे घोल में, और हमने यहाँ पे लिया एक फोक और एक स्पून, तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर डालूंगी घोल। ये देखिए, हमें बहुत ही आराम से ये प्रोसेस करना है। और अब मैं फोक से उठा लूंगी और इसे तुरंत ऑयल में डाल दूंगी। बहुत ही सावधानी से करें। और ये देखिए, हमने यहाँ पे एक टमाटो के पीसेस को बेसन के घोल से कोट कर लिया है और इसे ऑयल में डाल दिया है। तो अब मैं इसे एकदम मीडियम फ्लेम पे एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। जैसे इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, मैं इसे तुरंत पलट लूँगी। हम इसके ऊपर इस तरीके से ऑयल डालेंगे ताकि एकदम अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए, मैंने इसे पलट लिया है क्योंकि ये एक तरफ से एकदम अच्छे से सिक चुका है, फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी एकदम बढ़िया कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए, एक टमाटो पकौड़ा एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। तो अब मैं इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल लेती हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हुआ है और कितने बढ़िया फूले फूले बने हैं। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये टमाटो का पकौड़ा है और बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैं सारे पकौड़े को बना करके तैयार कर लूँगी। तो आपने देखा कि मैंने इसे बनाया था स्पून से, अगर आप चाहें तो इसे अपने हाथों से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी कि इसे किस तरीके से अपने हाथों से बनाना है। तो सबसे पहले हम बेसन के घोल में एक टमाटो के पीसेस को डाल देंगे और इसे स्पून से हम इस तरीके से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों से ही इसके ऊपर बेसन के घोल को स्प्रेड कर सकते हैं। बेसन के घोल को स्प्रेड कर लेने के बाद अब मैं इसे अपने हाथों से निकाल करके तुरंत इसे ऑयल में डाल दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक और पकौड़े को फ्राई करने के लिए इसमें एक और पीसेस ऐड कर दिया है। कढ़ाई में जितनी स्पेस हो आप उसमें भर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 2 या 3 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालिए। और इस तरीके से हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि एकदम अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और ये देखिए, ये भी पकौड़ा हमारा एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया इसका भी कलर आ गया है। तो अब मैं इसे भी ऑयल में से बाहर निकाल लेती हूँ और इसे टिश्यू पेपर पे रख लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं सारे टमाटो के पकौड़े को बना करके तैयार कर लूँगी। और ये लीजिए फ्रेंड्स, खाने के लिए तैयार है एकदम गर्मा गर्म चटपटी टमाटो पकौड़ा, जो खाने में बहुत ही चटपटी है और बहुत ही टेस्टी। तो इस तरीके के पकौड़े को आप ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। एक पकौड़े को मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया फूला फूला हमारा ये पकौड़ा बन करके तैयार हुआ है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हमने इसे टमाटर से बनाया है और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आ गया है। तो अब मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ। और ये देखिए, वाओ, कितना टेस्टी हमारा ये पकौड़ा बन करके तैयार हुआ है। अंदर से बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और बाहर से भी बहुत ही टेस्टी। तो इस तरीके की यूनिक पकौड़े को आप आज ही बनाइए और कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आई एम श्योर ये रेसिपी आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और जो टमाटो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइज, हमेशा की तरह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को आप जल्दी से लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सभी सोशल मीडिया पर शेयर करिए, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बगल में एक छोटी सी घंटी, उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।